यूं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे देश में महत्वपूर्न बदलाव हुए हैं। सी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं जिन्होंने हमारे देश में काफी कुछ बदल दिया है। ऐसी ही एक क्रांतिकारी बदलाव आया है खादी में। खादी विकास और ग्रामोद्योग में पीएम मोदी के एक आह्वान ने खादी को लेकर न सिर्फ लोगों की सोच बदली बल्कि खादी को फैशन सिंबल बना दिया। और ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। बात है पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 36वें एपिसोड की, जिसका प्रसारण हुआ था 24 नवंबर 2019 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमें उसी रूप में इसे आगे ले जाने की जरूरत है। पीएम मोदी की एक अपील से लोगों को एहसास हुआ कि कैसे खादी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों को रोजगार देती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा समेत कई उत्तर पूर्वी राज्य में रेशम उगाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में कपास की खेती की जाती है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात में खादी का उत्पादन होता है। तो देखा ना आपने कि कैसे ये खादी सच में एक आंदोलन की तरह देश को एक दूसरे राज्य से जोड़ती है। खैर, सिर्फ एक मन की बात से जो विचार शुरू हुआ वो धीरे धीरे आंदोलन में बढ़ता गया। वो खादी जिसे सिर्फ खद्दर समझा जाता था, जिसे लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ही लेते थे, धीरे धीरे एक बार फिर लोगों की पसंद बना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोगों की वजह से हुआ, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भी कई तरह के प्रयोग किए, खादी को आधुनिक रूप दिया और उसे नए नए रंगों और लगभग हर तरह के परिधानों में ढालने की कोशिश की, जिसके बाद धीरे धीरे ये बड़ों के साथ युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गया, जिससे खादी आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। यह करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी का ही कहा जाएगा, जिसने 2014 तक घाटे में चल रही खादी को आज 95,000 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर में बदल दिया। जो खादी की ग्रोथ थी वो माइनस थी, -6.24% हुआ करती थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खादी की पैरवी की, लोगों से अपील की, अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों को आह्वान किया कि खादी को अडॉप्ट करें, उसके बाद खादी जो है, मैं अगर कहूँ कि वो परवान चढ़ने लगी तो शायद गलत नहीं होगा। और आज खादी जो है ब्रांड बन गया है, इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है, और उसकी जो ग्रोथ है वो ट्रेजेक्ट्री बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर मैं 5 या 6 सालों का आंकड़ा आपको बताऊं, तो मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि लास्ट ईयर जो हमारा टर्नओवर है वो करीब 95,671 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले इन 5-6 सालों में इसकी जो ग्रोथ है वो 188.85% हो गई। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये प्रधानमंत्री जी की अपील का ही कमाल है जिसकी वजह से लोगों ने खादी को अडॉप्ट करना शुरू किया। उसके साथ साथ खादी कमीशन ने भी बहुत सारे नए प्रयास किए, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, अपनी डिज़ाइंस को चेंज किया और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे डिज़ाइनर्स को पैनल पे लिया और खादी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। तो सुना आपने कि कैसे पीएम मोदी के एक विजन, एक अपील से घाटे में चलने वाली खादी आज न केवल मुनाफे में चल रही है बल्कि देश विदेश में भारतीयता का परचम भी लहरा रही है। इसके साथ ही खादी अब सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है बल्कि शहद से लेकर कॉस्मेटिक तक कई चीजें न सिर्फ बना रही है बल्कि उनसे मुनाफा भी कमा रही है। ऐसा ही एक वीडियो आप आई कार्ड में देख सकते हैं कि कैसे खादी ने शहद उत्पादन से न सिर्फ खुद कमाया बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बदल डाली। इंडिया टीवी डिजिटल के लिए सैयद नजीर के साथ सचिन कुमार की रिपोर्ट।